वेलकम टू एजी क्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप बताइए सब लोग कैसे हो, बढ़िया हो, मस्त हो। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्न सम्मरी है 11.4, हमने उसके 6 एग्जांपल कर लिए थे, ठीक है। आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आपकी प्रश्न सम्मरी 11.4 का अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एक आकृति दी हुई है, इसके अनुसार त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी समांतर किसके पी क्यू रेखा खंड के, तो उसकी भुजा ए बी और बी सी को इस प्रकार विभाजित करती है, ए बी और बी सी को इस प्रकार विभाजित करती है पी क्यू रेखा की बी पी अनुपात बी ए कितना दे रखा है 1/√2, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड पी क्यू क्या करता है कि त्रिभुज ए बी सी को समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है, यानी कि ये पी क्यू है वो त्रिभुज ए बी सी को समान क्षेत्रफल अनुपात करता है, यानी कि ये त्रिभुज बन रहा है बी पी क्यू और ये त्रिभुज बन रहा है, ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है कौन सा पी ए सी क्यू, इनका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है जैसा जैसा हमने जो पिछला एग्जाम्पल किया था आपका उदाहरण नंबर 6, इसमें हमें दिया है कि पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है ए सी के, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, इस समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जो इसकी जो एक पेयर होता है, एक भुजा का जो युग्म होता है वो क्या होता है समांतर होता है। तो पी क्यू समांतर है ए सी के, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज पी ए सी क्यू, ठीक है। इनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए, ये क्षेत्रफल दो बराबर हैं तो इनको बराबर करेंगे, इनको प्लस करेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी पी का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे ही त्रिभुज चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बन रहा है पी ए सी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। इनमें से हम कोई भी दो चीज बराबर कर दे तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू क्या करेगा, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं इसको, उत्पत्ति देखिए, हम लेते हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी पी क्यू में हमें दे रखा है कि पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है ए सी के, ये हमें दिया है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण होगा, कोण ए, इस त्रिभुज ए बी सी का कोण ए किसके बराबर होगा, इस कोण पी के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही एक कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोण कौन सा, इस त्रिभुज ए बी सी का बी ए सी बराबर होगा इस त्रिभुज बी पी क्यू के, त्रिभुज में देखिए कोण पी होगा, बी पी क्यू बराबर होगा। ऐसे ही ये जो कोण बनेगा बी सी ए बराबर होगा कोण किसके, इस त्रिभुज बी पी क्यू का बी क्यू पी, क्योंकि ये संगत कोण है, जब दो समांतर भुजाओं को एक तिरेख रेखा काटती है तो बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी पी क्यू में दो कोण के संगत कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, देखिए कोण ए किसके संगत है, कोण पी के, ठीक है। तो ए कोण सी किसके संगत है, कोण क्यू के, तो ए सी बी बराबर होगा, ए के संगत कौन कौन सा हो जाएगा बी, तो बी, और सी के संगत कौन क्यू, तो बी क्यू पी,
ठीक है। संगत जो त्रिभुज होते हैं उनको ऐसे लगते हैं कि संगत कोण वाले जो कोण होते हैं उनको एक एक साथ लिखेंगे, देखिए जैसे कि कोण ए के संगत कोण बी, कोण सी के संगत कोण है क्यू, और कोण बी के संगत हो जाएगा कोण पी, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो गए, संगत समरूप हो गए। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि बीपी बराबर, हमें दिया हुआ है कि बीपी बराबर बीपी बट्टे बीए, यानी कि बीपी और बी बीपी और बीए का अनुपात दे रखा है 1/√2, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, दिया है। तो देखिए, और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज BQP का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज किसका, ACB का क्षेत्रफल, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो BQP का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BQP की भुजा क्या हो जाएगी, BP हो जाएगी। और ऐसे ही ACB जो त्रिभुज है उसकी संगत भुजा हो जाएगी कौन सी, BQ BA, ठीक है। और इनका क्या करना है, वर्क करना है। तो देखिए, इनका मान रखते हैं BP अपॉन BA का मान दे रखा है हमें 1/√2, और इनका क्या करना है, वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज BQP का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज BQP का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा BQP के क्षेत्रफल के बराबर है त्रिभुज BQP का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, ये जो BPQ क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, वो क्या है, आधा है किसके, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या ACB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा BQP का क्षेत्रफल। तो हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। और ये किसके बराबर है, समान चतुर्भुज PQC के क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, समलंब चतुर्भुज PAQ PACQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपके ये जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया है कि ये जो PQ है, इसलिए PQ त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है, ठीक है। तो PQ क्या करेगी, त्रिभुज ABC को क्या करेगी, दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करेगी। त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज PACQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें दे रखा था कि त्रिभुज ABC में PQ समांतर है किसके, AC के। तो देखिए, हम दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज BPQ और समलंब त्रिभुज कौन सा, ABC। तो PQ समांतर AC है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर भुजाओं को एक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक कोण A कोण P के बराबर, कोण C कोण Q के बराबर। तो दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनके दो संगत कोण बराबर हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ACB समरूप हो गया किसके, त्रिभुज BPQ के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आएगा समरूप चिन्ह, बराबर नहीं समरूप, ठीक है। तो इनका समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हमने पढ़ी थी, उनका क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और हमें दे रखा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1/√2, ठीक है। तो उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल 1/2 अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुणा त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज 1/2 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। देखिए, 2 इसके साथ नीचे चला जाएगा तो वही आ जाएगा टर्म, है ना। तो देखिए, ये जो BPQ का क्षेत्रफल है,
वो किसके बराबर हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज पी ए सी क्यू के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि पी क्यू आकृति है तो ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि अगर हमें कि दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो वो क्या होंगे, सर्वांशम त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, दो त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज आपका एबीसी और आपका दूसरा त्रिभुज है यहां पे देखिए पी क्यू आर। दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, वो क्या है, समरूप है, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ओके। तो और हमें दे रखा है क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम मतलब ये होता है पी क्यू आर त्रिभुज के, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं उत्पत्ति, देखिए हमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किस त्रिभुज के, पी क्यू आर के। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात और उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समान कोणिक होंगे, क्योंकि इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। इसलिए इनका जो कोण होगा, कोण ए कोण किसके, कोण पी के बराबर, कोण ए कोण पी के बराबर, और कोण क्यू कोण बी के बराबर क्योंकि संगत कोण है, और कोण ये सी है वो किसके कोण, आर के बराबर, क्योंकि क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। देखिए हमने ये भुजा ली है बी सी और इसके संगत क्या जाएगी, क्यू आर। तो बी सी अनुपात क्यू आर इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि संगत भुजाओं को क्या करना है, वर्क करना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पी क्यू आर के, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, तो बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू आर बराबर बी सी। तो ये दो भुजाएं हैं क्यू आर बी सी, दो संगत भुजाएं हैं, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, अब इनको क्या करेंगे, संगत करेंगे। देखिए इनके दो कोण बराबर दे रखे हैं हमें, यहाँ से कोण ए बराबर ये जो कोण है, कोण बी बराबर कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण आर, ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये त्रिभुज क्या, समान कोण के समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि क्यू आर बराबर बी सी, ये हमें समीकरण इसको दीजिए फर्स्ट से, और ये हमें दिया है, ठीक है। तो देखिए जब दो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और उनके मध्य भुजा कोण बी और सी के मध्य भुजा बी सी, और कोण क्यू और कोण आर के भुजा जो मध्य भुजा है वो क्या है,
क्यों आ रहा है, ठीक है, वो बराबर दे रखी हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगक्षम हो जाएगा, त्रिभुज किसके, पीक्यूआर के। देखिए सर्वांगक्षम और समरूप में इतना सा अंतर होता है कि समरूप में हम जानते हैं कि समरूप में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, उनमें अनुपात बराबर होता है, इसमें भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी सर्वांगक्षम में क्या होता है कि सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, वो एक जैसे दिखते हैं, उनका साइज क्या अलग हो सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगक्षम हो जाएंगे, त्रिभुज किसके, पीक्यूआर के, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल इसमें आपको क्या करना था कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। फिर इसमें हमने लगाए थे प्रमेय कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, और उनका क्षेत्रफल हमें पहले से बराबर दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों का। तो यहाँ क्या क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, दोनों कट जाएंगे क्षेत्रफल, तो क्यू आर बराबर बी सी आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको क्या कर देंगे, क्यू आर बराबर बी सी दे रखा है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, इन संगत कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके कोण भुजा कोण यानी कि एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 9, त्रिभुज एबीसी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन है, क्या लगाना है इसमें, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। देखिए इसका डायग्राम बनाइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, तो इसके दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी और सी इसका एक कोण क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए सी बराबर किसकी होगी, बी सी के, इसके दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजा क्या बराबर होंगी, तो हम मान लेते हैं कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है। और इसका कोण सी क्या है, एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिद्ध करते हैं उत्पत्ति, तो हम देखिए त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज भी है, क्योंकि इसका कोण क्या है, 90 डिग्री का है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सी इसका कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसमें लगाएंगे बोधन प्रमेय से, और बोधन प्रमेय क्या होती है, आप जानते हैं, घन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कोण ये क्या है, 90 डिग्री का है, तो आप किसी को भी क्या मान सकते हैं, एक को लंब मान लिए, एक को आधार मान लिए, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस लंब, 90 डिग्री कोण बनाएगा, कोई से भी लंब मान सकते हैं, कोई से भी आधार मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो क्या करेंगे, बी सी को क्या किसमें चेंज करेंगे, हम बी सी को चेंज कर देंगे ए सी में, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, तो ए सी स्क्वायर, चूंकि बी सी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ac स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल है आपका उदाहरण नंबर 10। देखिए आपका अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 10, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर हमें दे रखा है 1/3 बीसी, यानी कि आपका जो बीसी है वो बीडी का क्या है, 3 गुना है। तो हमें सिद्ध करना है कि 9 गुणा AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं एबीसी, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी 3 भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा,
यानी कि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और इस पर BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी कि BC क्या है, BD का तीन गुना है, तो D बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको मिलाइए AD, BC क्या है, BD का तीन गुना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ओके। तो हमें दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके तीनों भुजा क्या बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC, इसकी तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और हमें दे रखा है कि इसमें एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, और हमें दे रखा है कि BD क्या है, 1/3 BC, यानी कि BC क्या है, BD का तीन गुना है, इतना हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है, हम सिद्ध क्या करना है कि 9 गुणा AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक है। और देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रचना करते हैं कि एक लंब डालते हैं शीर्ष A से BC पर, लंब डाला है क्या हमें, AE लंब डाला है किस पर, BC पर, ठीक है। AE लंब डाला है किस पर, BC पर, और देखिए ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, आपकी जो प्रमेय कराई थी, आपकी प्रश्नावली 10 थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका ये समबाहु त्रिभुज है तो उसके शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डालते हैं, अब यहाँ से डालिए, यहाँ से डालिए, यहाँ से डालिए, अब लंब डालते हैं, वो क्या बन जाता है, उस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज, केवल क्या है, केवल समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये जो शीर्ष होगा, शीर्ष लंब, वो क्या होगा, एक लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इस आने वाली भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, ये केवल आपके समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। इसलिए AE त्रिभुज ABC के लिए लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा, का काम करेगा, काम करता है। तो AE क्या हो जाएगा, तो ABC के लिए लंब समद्विभाजक का काम करेगा, यानी कि ये जो BE है, इसलिए BE बराबर क्या हो जाएगा, EC। तो BE बराबर क्या हो जाएगा, EC, ठीक है। तो BE क्या हो जाएगा, ये जो दो होंगे क्या होंगे, वो BC के आधे हो जाएंगे, क्योंकि BE बराबर EC है, तो हम कह सकते हैं कि BC का क्या हो जाएगा, ये आधे हो जाएंगे, ठीक है। इतना हमने रचना से किया है। तो देखिए अब इसको प्रूव करते हैं, उपपत्ति। तो इसमें लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो त्रिभुज AEB क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक समकोण, अब समकोण त्रिभुज कौन सा, AEB में समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, बहुधन प्रमेय से, तो बहुधन प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसका कर्ण का स्क्वायर, तो इसका कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AE का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से AE का मान निकाल लीजिए, AE स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से AE का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस में क्या चला जाएगा, B चला जाएगा, तो AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। हमें किस में लाना है, इसको BD और BC में लाना है, तो BE को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे BC में, ठीक है। तो BE का मान दे रखा हमें BC by 2, तो AE स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस, B को चेंज कर दीजिए किस में, BC by 2 में, तो BC बट्टे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर
मान बी सी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर, 4 गुणा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ए ई डी, ए बी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो इसमें भी लगाइए पाथागोरस प्रमेय, यानी बोधन प्रमेय। तो इसमें पाथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए इसका कर्ण हो जाएगा ए डी, ए डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, डी का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा इसका, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी को चेंज करेंगे, तो डी को कैसे चेंज करेंगे देखिए, तो ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, हम डी को चेंज करते हैं, तो डी को हम कैसे चेंज, ए डी है ठीक है, तो बी में से हम बी डी घटा दें, अगर बी में से बी डी घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी मिल जाएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा बी डी में, बी में से क्या घटाएंगे, बी डी घटा देंगे, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या रख देंगे, बी की जगह रखेंगे बी सी बाई टू, ठीक है। बी की जगह रख देंगे बी सी बाई टू माइनस, और बी डी जगह रख देंगे, बी डी बराबर क्या है, 1/3 बी सी, यानी बी सी बाई थ्री, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, तो 3 BC माइनस 2 BC, ठीक है। एलसीएम लेना आता है, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, और 2 3 6, और 3 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ऐसे 3 का भाग दे देंगे 6 में 2, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा BC में, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस 3 BC माइनस 2 BC, तो BC/6 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें टोटल का, और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, जो 36 का उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको मान समीकरण फर्स्ट, यहाँ पे क्या ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो बराबर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4AB² माइनस BC² बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 36AD² माइनस BC² बराबर बट्टे 36, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, हमें लाना है क्या, क्वेश्चन में लाना है हमें BD और AD और AB लाना है, ठीक है। तो ए डी और ए बी बचाने हैं, और इसमें से बी सी को एक चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बी सी को चेंज करना है, तो 4AB², तो बी सी को किस में चेंज कर देंगे, बी सी बराबर हमें दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है हमें, तीनों मुझे बराबर दे रखी है, बी सी बराबर ए बी बटे 4 बराबर 3AD² 36AD² माइनस, और बी सी को क्या कर देंगे चेंज किस में, ए डी में चेंज कर दो, बी सी को चेंज कर देंगे किस में, ए बी में, ए बी स्क्वायर बटे 36, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे 4AB² माइनस ए बी स्क्वायर, तो क्या इतने बचेंगे, 3AB² बटे 4 बराबर 36AD² माइनस ए बी स्क्वायर बट्टे 36, तो 4 से 36 9 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 9 का गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, वज गुणा करेंगे, 9 3 27 ए बी स्क्वायर, यानी
यहाँ पर एक बचेगा तो ये टर्म आ जाएगी 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी वाले पदों को एक साइड लेके आइए तो 27 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 ए डी स्क्वायर, ठीक है। 27 प्लस एक कितना हो जाएगा 28 ए बी स्क्वायर और ये 36 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये चार से कैंसिल हो जाएंगे, चार से कितनी बार, सात बार, और चार से नौ बार, तो कितना आ जाएगा 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, आंसर प्रूव्ड। ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको केवल क्या करनी थी, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना था कि ये टर्म सिद्ध करनी थी 9 ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और हमें दे रखा था कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि हमें बी डी अनुपात बी सी दे रखा है 1:3, यानी कि बी सी है वो क्या है, बी डी का 3 गुना है, ठीक है, एक पार्ट है और बी सी 3 पार्ट में है, ये हमें दे रखा है। और हमें इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रचना की है हमने, क्या शीर्ष ए से क्या लंब डाला है, किस पर, बी सी पर, ए ही लंब है किस पर, बी सी पर, और हम जानते हैं कि केवल समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने भुजा पर जो लंब डालते हैं वो क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है, यानी कि इस भुजा पर समकोणी बनाएगा और इन भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि बी बराबर क्या है ई सी के, और बी बराबर ई सी है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं तो बी सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा बी सी बाई टू। तो इसमें हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज ए ई बी, ए ई बी एक समकोण त्रिभुज ही लिया, तो इसमें लगाएंगे हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधन प्रमेय, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, ए का मान निकाला है, तो ए स्क्वायर क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर मान बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसमें बी को चेंज कर देंगे किसमें, बी सी बाई टू में, ये हमें दिया हुआ है, हमने किससे किया है, रत्ना से किया है, बी ई बराबर ई सी बराबर बी सी बाई टू, तो बी को चेंज कर दिया है बी सी बाई टू में, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान निकालिए, केवल आप कैलकुलेशन करनी है, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा ये टर्म, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ऐसे हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए ई डी, ये भी समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ई डी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से हमने ए का मान निकाला था, ऐसे यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर मान डी स्क्वायर, तो ए डी को डी को चेंज करेंगे किसमें, बी को बी डी में चेंज करेंगे, तो डी को कैसे चेंज करना है कि बी में से बी डी घटा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, डी का मान आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसको हम क्या कर देंगे, बी बी डी को हमें बी सी में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास बी सी है, ठीक है, तो बी सी में चेंज किया इसको, तो इसका एलसीएम ले लिया, बी सी दे बी का मान दे रखा हमें बी सी बाई टू, तो बी का मान दे रखा हमें, देखिए बी का मान दे रखा बी सी बाई टू ये, और किसका मान दे रखा है, और हमें चेंज करना बी डी, बी डी का हमें पहले दे रखा है बी डी बराबर 1/3 बी सी, ठीक है। इनको क्या कर दिया, बी सी में चेंज कर दिया, इनका एलसीएम लिए 6, तो यहाँ से आ जाएगा पी सी बाई 6, ठीक है। तो इसका वर्क कर दीजिए 36, ये आपको क्या करना, कैलकुलेशन करने केवल, तो यहाँ से आ जाएगा ये समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर इतना है और ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो दोनों को टर्म को बराबर कीजिए, तो देखिए हमें क्या लाना है कि हमें लाना है बी डी, किसमें ए डी और ए बी लाना है, तो क्या करेंगे, इस बी सी को चेंज कर देंगे किसमें, ए बी में, ठीक है। तो 4 ए बी स्क्वायर बी सी बराबर, देखिए ए बी है क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी में चेंज किया, तो केवल आपको क्या कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से 7 ए बी स्क्वायर बराबर आएगा 9 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो उसको नोट कीजिए, आप करते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, रह गया है एग्जाम्पल नंबर 11। इस प्रश्नावली 11.4 का लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 11 है, तो ए बी सी क्या समकोण त्रिभुज, इसका कोण भी हमें 90 डिग्री दे रखा है, समकोण दे रखा है, माना कि डी और ई बिंदु इस प्रकार ए बी और बी सी पे इस प्रकार स्थित हैं कि दो बिंदु स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए पहले लिख लेते हैं, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि इसका कोण भी क्या है 90 डिग्री है, समकोण दे रखा है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। देखिए तब भी आपको स्क्वायर दिखे तो आपको क्या करना है, और संपूर्ण त्रिभुज दिखे तो आपको केवल क्या लगानी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, इस प्रकार लगानी है कि इसमें ए ई आ जाए, सी डी आ जाए, ए सी आ जाए, डी आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं। पहला देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज ए बी ई, इस समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी क्या 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको क्या लगानी है, केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी ई, ए बी ई में देखिए इसमें लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, बोधन प्रमेय लगानी है आपको। ठीक है, इसका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा इसका ए, ए ई का स्क्वायर बराबर इसका आधार क्या है बी का स्क्वायर प्लस इसका लंब, इसका लंब है ए बी, ए बी का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज ढूंढिए, देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज है आपका डी बी सी। अब समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में इसका कोण भी क्या है 90 डिग्री है, और इसका भी कोण क्या था, इसका कोण भी 90 डिग्री था। ठीक है, तो इसमें लगाइए आप पाइथागोरस प्रमेय, किसमें डी बी सी में, इसका कर्ण हो जाएगा डी सी यानी कि सी डी स्क्वायर, इसका आधार, आधार हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और प्लस इसका लंब हो जाएगा कौन सा डी बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दो, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने से तो देखिए इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है इसको एक साइड जोड़िए, ए स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर बराबर, और उनके जो राइट हैंड साइड है उनको एक साथ जोड़िए, बी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे आपको समकोण त्रिभुज ढूंढने कौन कौन से, देखिए एक समकोण त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी अपने आप में एक समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण भी 90 डिग्री है, तो इसमें लगाइए पाइथागोरस में, तो इसका कर्ण हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर इसका आधार का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस लंब, लंब हो जाएगा इसका कौन सा ए बी, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मानिए समीकरण नंबर आपका फोर। अब देखिए अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका डी बी ई, इसमें भी कोण क्या है बी 90 डिग्री का है, तभी तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका कर्ण हो जाएगा डी ई, डी ई का स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया तो आधार क्या इसका बी ई का स्क्वायर प्लस लंब इसका डी बी, डी बी का स्क्वायर। इसको मान समीकरण फाइव, तो उसको क्या करना है जोड़ना है समीकरण चार और पाँच को जोड़ने पर। ठीक है, तो उसको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िए एक साइड ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड दोनों को साथ जोड़िए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण नंबर छः। तो आप देखिए समीकरण पाँच, समीकरण आपका थर्ड है और सिक्स है। ठीक है, तो देखिए इसमें बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ऐसे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी ई है, यहाँ पे बी ई स्क्वायर है, यहाँ पे डी बी स्क्वायर है, यहाँ पे डी बी स्क्वायर है। तो क्या कर देंगे समीकरण तीन और छः को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे समीकरण तीन व छः से। तो समीकरण तीन व छः को देखिए ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये टर्म तो हम कह सकते हैं ये भी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि ए सी प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था और प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ।
ठीक है। तो आपको क्या करना था केवल इनमें, आपको समकोण त्रिभुज ढूंढने थे और उनको जोड़कर आपको क्या करना था, बराबर करना था। ठीक है, तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज लिया हमने कौन सा, ए बी ई, एक समकोण त्रिभुज ये, और दूसरा समकोण त्रिभुज लिया हमने बी डी सी। इनमें हमने पाथागोरस प्रमेय लगाए दोनों में, उन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे हमने फिर लिए ए बी सी समकोण त्रिभुज लिया, और लिया हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी डी ई, इन दोनों पाथागोरस प्रमेय लगाए, इनको जोड़ दिया। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, आपको क्या करना है इनको फिर बराबर कर देना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो आपकी जो प्रश्नावली 11.4 उसके एग्जाम्पल थे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको केवल इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, डेली डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैं कराता हूँ और जितना भी मैं आपको करा चुका हूँ उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको क्या है, मैथ आपकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे चैनल में जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो स्टूडेंट हैं जिनको वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे, और वो भी इस अपनी पढ़ाई को क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल, क्या है, सैटरडे, और संडे को आपका क्या ऑफ रहता है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को। ठीक है, तो मंडे को हम कराएंगे आपकी जो प्रश्नावली 11.4 उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।